अब हम इस क्वेश्चन से ये सीखेंगे कि जब भी हमें डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के नीचे वाले पार्ट में अगर थ्री टर्म्स गिवन हो तो उसे कैसे रैशनलाइज करते हैं। जब भी हमें टू टर्म्स गिवन होता है a प्लस बी जैसा, तो हम उसे हमेशा a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, और a माइनस बी गिवन होता है तो उसे हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को हम यूज़ कर सकें। तो जब हमें थ्री टर्म्स गिवन होगा तो भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ही आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन में गिवन है हमें रैशनलाइज करना है 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13 को। अब यहाँ पर थ्री टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, इन शुरू के दोनों टर्म्स को a मान लेंगे और लास्ट वाले टर्म को b मान लेंगे। अगर हम इन दोनों टर्म्स को a मान लेते हैं और इसे b मानते हैं तो फिर ये a प्लस बी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गए। तो अगर ये a प्लस बी हो गया तो हम इसे a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर हमें बीच में माइनस का साइन दिखता तो ये a माइनस बी के फॉर्म में होता, तो फिर हम इसे यहाँ पर a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो a प्लस बी के फॉर्म में, तो इसे a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखें, 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13, ये हो गया a प्लस बी, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे a मतलब रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस बी मतलब माइनस रूट 13 से। सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो हमें ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 13 से। जब 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो ऐसे कैसे रह गया, रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 13 अपॉन, ये क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर a क्या है, रूट 7 प्लस रूट 6, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर b क्या है रूट 13, तो फिर ये हो गया रूट 13 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 13 अपॉन, ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम सब जानते हैं आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी होल स्क्वायर की, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये अगर a ये b है तो a का स्क्वायर क्या होगा, रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 प्लस b स्क्वायर, b क्या है रूट 6, तो रूट 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 प्लस 2ab मतलब प्लस 2 a इंटू बी, ए कितना है रूट 7, b कितना है रूट 6, तो a इंटू बी क्या होगा रूट 42, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रूट 42। ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस कितने का माइनस, रूट 13 का स्क्वायर क्या होता है 13। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ये तो रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 13 ही रह गए अपॉन 7 प्लस 6 13, 13 माइनस 13 कितना 0, तो ये तो कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा 2 रूट 42। तो अब 2 रूट 42 को रैशनलाइज करना बाकी रह गया, तो इसे रैशनलाइज करने के लिए हम 2 रूट 42 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रूट 42 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 2 रूट 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ऊपर भी 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, फिर हमें कॉमन लेके 2 रूट को कैंसिल करना पड़ेगा, तो हम एक काम करेंगे इसे रूट 42 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 42, रूट 42, रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय रूट 42 कितना होगा, इसे हम रूट के अंदर 7 इंटू 42 लिख देते हैं, प्लस रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय 42 माइनस रूट 13 मल्टीप्लाइड बाय 42 अपॉन 2 रूट 42 मल्टीप्लाइड बाय रूट 42। अब हम देखें फैक्टर्स निकालते हैं, 7 का तो फैक्टर क्या होगा बस 7, 42 का फैक्टर्स क्या होगा, 42 होता है 6 इंटू 7 मतलब 42 का फैक्टर्स होगा 2 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 6 का फैक्टर्स क्या होगा 2 इंटू 3 और 42 का फैक्टर्स क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 7 माइनस रूट 13 का फैक्टर क्या होगा 13 और 42 का फैक्टर्स क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन रूट 42, रूट 42 कितना होता है 42, 42 इंटू 2 कितना होगा
84। अब हम आते हैं हमारे लास्ट स्टेप पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर दो बार 7 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी डिजिट अगर दो बार आते हैं तो वो स्क्वायर रूट के बाहर हम उसे एक बार लिख देते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर दो बार 7 है मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर है, तो ये दोनों 7 बाहर में आके एक 7 बन जाएगा। ये 2 अकेला है, ये 3 अकेला है, तो फिर दोनों क्या हो गए रूट 6 प्लस। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2/2 है मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, 2/2 है, 2/3 है, तो दोनों 2 बाहर में आके 1/2 बन जाएगा, दोनों 3 बाहर में आकर 1/3 बन जाएगा। तो ये 2 × 2 क्या हो गया बाहर में आके 2, 3 × 3 क्या हो गया बाहर में आके 1/3, तो हमें बाहर क्या मिला 2 × 3 = 6, और ये जो 7 था वो अंदर अकेला रहे माइनस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी डिजिट दो बार नहीं आ रहा, सब डिजिट एक बार ही है, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, 13 भी एक बार है, तो 2 × 3 कितना होता है 6, 6 × 7 कितना होगा 42, और 42 × 13 कितना होगा 42 × 13 होगा 420 + 126 = 546/84। ये मिल गया हमें हमारा आंसर। इस आंसर में हमें लास्ट में हमेशा ये भी चेक करना चाहिए कि ये हम 84 को और कैंसिल कर सकते हैं क्या, मतलब कोई कॉमन मिल रहा है क्या हमें यहाँ से कोई भी डिजिट, यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर 7 है नहीं, तो मतलब कॉमन तो मिलेगा नहीं, तो फिर यही फाइनल आंसर हो गया आंसर। थैंक यू।